होगा। ये जो टाइगर देखे तुम लोग को पूरा देखना होगा, तो ये पटना जू का, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक करो। तो फिलहाल पूरा जू देखना है तो पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। फिलहाल इंट्रो के बाद मिलते हैं। आज हम लोग आ गए पटना जू में, तो जैसा देख सकते हो इधर जू दिखा दो जू। तो आज मैं जू एक्सप्लोर करूंगा, यहाँ पे कौन कौन सा जानवर है वो भी पटना में। कहते हैं कि यहाँ पे पटना में बहुत बड़ा चिड़ियाखाना, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं और बंदा हर्षित आए हैं। फिलहाल इससे पहले आप लोगों ने बाइक का देख लिया, सेकंड हैंड कार का देख लिया वीडियो, तो अब पटना जू के बारे में दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस जाने से पहले बोलेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, मोंटी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मेरा कैब भी है, हाँ, और बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन में ढूंढोगे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, वो भी मिल जाएगा तो फॉलो कर लेना। चलते हैं। जैसे कि हम लोग आगे पटना जू में, आप देखते हैं कि यहाँ पे टिकट का प्राइस क्या लगता है यहाँ पे, और चलते हैं देखते हैं। तो टाइमिंग देखो, 10 से 11 बजे समय सारणी, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे, पता नहीं क्या मध्यंतर 3-4 बजे, और बाकी 50-5 क्या दिखा हुआ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। थिएटर खुलने का समय है, थिएटर है, चलो देखते हैं समय संध्या, ये सब दिखा दो। पैसा नहीं है, पैसा तो दे दिया, पैसा दे दिया। तो भाई 30-30 दूना 60, और DSLR का चार्ज 300। चलो तो भाई यहाँ पे मैं 2% का टिकट कटाया हूँ, जो कि मेरे को लगा 30 रुपया, और 30 रुपया 2 आदमी का, और DSLR का चार्ज सुनोगे तो 300, यानी 300 रुपया रखा है एक DSLR का, मुझे करना था यार। और कैमरा वाला ले ले सर्टी, तो गाइस मेरे को यहाँ पे 300 लग जाता है, एंट्री चार्ज लग जाता है कुछ 30 गुना 60 रुपया, है ना। बाकी इधर मैप दिखा देते हैं कुछ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पार्क एंट्री गेट, तुम लोग देख सकते हो कैसा कैसा का हुआ। और बाकी इधर फुल बगीचा, और अंदर चलते हैं कितना बड़ा है देखते हैं बाकी और आगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखना, पटना का जू में है तो वीडियो देखना बनता है। क्या क्या चीज़ें और देखने की कोशिश करते हैं, आगे चलते अभी तो स्टार्ट किए हैं, और कितना लंबा दूर जाना पड़ेगा, तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन से क्लिक कर लो। तक मेरे को एक पक्षी भी नहीं मिला है, जिसे बोलते हैं कपिल शर्मा बोलते बाबा जी का ठुल्लू। चलो देखते हैं पक्षी। तो भाई हम लोग ने मछली घर का टिकट लिया है, जो यहाँ टिकट एंट्री टिकट के बावजूद भी उसने मछली जो घर है वहाँ पर भी टिकट 10-10 रुपये, जो मैं और मैं हर्षित का लिया। तो चलो देखते हैं अंदर में और क्या क्या चीज़ है, मतलब और क्या मछली में कौन कौन सा चीज़ है। एक बात और, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो देख के जाना इस जू में क्या क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं देखते हैं, और उसके पास 20 रुपये का मछली खा पाते कि नहीं। हम लोग अभी हम लोग जाएंगे मछली के मुंह में, इतना बड़ा मुंह फाड़ के रखा होगा, ये मछली का मुंह है इतना बड़ा है, हम इसके पेट के अंदर में जा रहे हैं, उधर से निकलेंगे पीछे वालों से। मछली खाते हो तो तुम लोग उसको पेट में डालते हैं, अब हम जब इन लोग को इसके पेट में आ गए तो कैसा लगता है।
ये था मछली का मंडी, 20 रुपये किलो आकर के लेना है तो ले लेना, और बाकी चलते हैं बाहर। यहाँ तक हम लोग ने मछली देख लिया सारा, तो जैसा देखो इधर भी और इधर भी पूरा दिखा दिया। अब बाहर निकलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। तो भाई इधर दरियाई घोड़ा का मंडी है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसा कैसा लगा हुआ है। तो भाई वहाँ पे दरियाई घोड़ा है जो कि गेंडा मुंडी हो रहा है। हेलीकॉप्टर किधर जा रहा है यार? यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो भाई वो जगह जैसे कि दरियाई घोड़ा वहाँ पे सोया हुआ है, ठीक है, फिलहाल पानी से ऊपर नहीं ले रहे। पता अभी डर गया मैंने, जो कैमरा जो ऊपर लिया ना तो वहाँ पे कपल जा रहे हैं तो वहाँ लोग डर गए। तो यहाँ पे वो बेचारा लेटा हुआ आराम कर रहा है पानी के अंदर, और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। क्या अर्षित वहाँ पे पानी में घुलट रहा है? तो भाई वो है चीता बिल्ली, देखो वहाँ पे बैठी होगी। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं जेब्रा को देखने, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। जेब्रा देखो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जेब्रा का, और वहाँ पे कुछ दिखता होगा कलरफुल में, तो फिलहाल नज़दीक चलते हैं एंड देखते हैं। फालतू का पीड़ा मैना। सब्सक्राइब करवा लेना अपने गैंग वालों से। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं स्नैक
यहाँ पे बहुत सारा स्नैक पड़ा हुआ है, रखा हुआ है म्यूजियम टाइप का। तो फिलहाल चलते हैं अंडर एंड देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ट्रेन का भी सुविधा है, लेकिन ट्रेन का चार्ज पता नहीं कितना लेता है, लेकिन ये अभी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग वहाँ पे पता किए थे कि भाई ट्रेन का उधर वो पटरी बना हुआ है, तो जैसा देख सकते हो। तो ये इधर सामने बैठ के चलाते हैं, लेकिन मेरे को लाइसेंस इसका नहीं है ट्रेन चलाने का, नहीं तो मैं पक्का चलाता भाई। इधर चमगादड़ है, उधर उल्लू है, उधर चमगादड़ है, इधर उल्लू है, बीच में मोंटी है। तो भाई यहाँ पे मेरे को 10-10 रुपए का मेरा और हर्षित का टिकट लग जाता है, और हम लोग जाते हैं यहाँ पे रात का जानवर जो होता है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। माइक ऑन क्या कैमरा का टिकट दे ले लिए हैं, 300 रुपये लिया था। हाँ दिखा दो, तेरे पास है। तो यहाँ पर आने से पहले कैमरा का टिकट जो लिया है वो भाई चेक करा देना, नहीं तो फिर एंट्री नहीं होगा। तो वहाँ हम लोग कैमरे का टिकट चेक करा रहे हैं। तो बाकी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आए थोड़ा कुछ आराम मिल रहा है, कि यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है। तो जैसा देख सकते हो ये तो कम से कम ऐसी तो मिला थोड़ा सा देखने, लेकिन यहाँ पे अंधेरा है। अंधेरा में क्या दिखाऊंगा, शिट मैन कुछ दिख नहीं रहा है। अर्थित तुम कहाँ घूमोगे, एक वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ काला काला दिख रहा है, लेकिन क्या देखें। ये रहा उल्लू जो बैठा हुआ है, आओ।
गेट नंबर 1, तो यहाँ पे कैंटीन वेंटिंग की सुविधा है। कैंटीन का भी सुविधा है और नेम प्लेट भी दिखा दी, दाम वगैरह सब चीज़ दिखा दी। यहाँ पे क्या चार्ज है बाकी तुम लोग पॉज करके देख सकते हो यहाँ पे क्या है। तो हम लोग को अभी फिलहाल भूख लगी है, मेरे को और रशीद को, और हम लोग दोनों को खाने के लिए बैठते हैं। ठीक है, चलते बैठते हैं, चलो। तो ऑल राइट गाइस, जैसे कि अभी लोग हम लोग कैंटीन में खाएँ, राइस खाएँ, एक फ्राई राइस था जो 80 रुपये का फुल प्लेट था और 50 रुपये का हाफ प्लेट था, और एक तो कोक पिए ना, तो स्प्राइट पिए, और बाकी पानी की सुविधा नहीं था, वहाँ पे नल लगा, वहाँ पे पी सकते हो आप लोग। यही था, आप खा पी लिए, अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अभी तक हम लोगों ने पूरा जू घूम लिया पटना का। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस तरह का कोई वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई बहुत मुश्किल से इतना दूर आ करके वीडियो शूट किए हैं, तो लाइक तो बनता है भाई, तो लाइक कर लो पटना से। और ये था जो वीडियो था, पटना का जू था और काफ़ी बड़ा जू है, अगर पूरा घूम भी नहीं पाया हूँ मैं, तो जो जो था इंपॉर्टेंट सीन था वो मैंने दिखाया हूँ। तो आप लोगों ने जैसा देखा ये इंपॉर्टेंट सीन है, तो ये चीज़ मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना, और ज़्यादा फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहो और खुश रहने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, बाय बाय।